तो इससे हमें समझ में आता है कि जिंदगी में सक्सेस का मंत्रा है अपनी कमाई से ज्यादा मेहनत करना, या डूइंग मोर देन वॉट यू आर पेड फॉर। दूसरा, आप हमेशा काम से आगे रहते हैं, कभी भी काम का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देते। तो अगर आज आप अपनी इनकम से ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत से ज्यादा इनकम मिलेगी। तो अपनी सैलरी या उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म करना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत से एडवांटेजेस देता है। आप अपने फ्रेंड्स और जान पहचान के लोगों को भी हेल्प ऑफर करिए, ये मत सोचिए कि इससे मेरा क्या फायदा, उनकी उम्मीद से ज्यादा उनका साथ दिए। तो ऐसी दुनिया में जहां मोस्टली लोग उम्मीद पर खरे ही नहीं उतरते हैं, आप उनकी उम्मीद से ज्यादा काम करिए। कोविड के बाद पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, नई जॉब्स मिल नहीं रही हैं, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या गारंटी है कि आपकी जॉब बनी रहेगी, या क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा? घबराइए मत, अपनी सोच में बस एक छोटा सा चेंज करना होगा और मजाल है कि कोई आपको अपनी जॉब से निकाल दे या फिर आपको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़े। वो चेंज क्या है आज ब्लू मैन इवॉल्व में एक्सप्लोर करते हैं। मैं आज आपको दो पर्सनालिटीज से मिलवाऊंगा, दोनों सेम एमएनसी में काम करते हैं, सेम डेजिग्नेशन पे हैं। आप उनसे मिलिए और ये डिसाइड करिए कि इन दोनों में से किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। सबसे पहले मिलिए ए से। ओ भाई, कंपनी हमें बस 40,000 सैलरी देती है, आजकल 40,000 में होता क्या है? अरे इतने का तो मैं पेट्रोल फूंक देता हूँ। अरे 9 to 5 बुला रहे हो, पैसा दे रहे हो तुम 6 घंटे का, भैया शाम को 4 बजे के बाद मैं पेन छोड़ देता हूँ, ठीक है इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, लास्ट का 1 घंटा तो बस इंस्टाग्राम स्नैपचैट यही चलता है, रिलैक्स एकदम। इससे ज्यादा काम करना हो तो बॉस मेरे केबिन में आ जाए और काम पूरा कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं आप बी से मिलिए। मैं इस कंपनी का थैंकफुल हूँ जो इसने मुझे जॉब दी, मुझे 40,000 महीने के लायक समझा, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी मुझे जिम्मेदार समझा और जिम्मेदारियां दी। इसी जॉब से ही तो मेरा घर चलता है, मेरी जितनी एनर्जी है जितना टाइम है मैं इस जॉब को देता हूँ। काम ही तो लाइफ है सर, कभी कभी ऑफिस में रात के 10 बज जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कलम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे ना सर, तो यही मेहनत के दिन तो याद आएंगे। अब ए और बी में से आपको किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लगता है? बी का। स्टार्ट करो। बट ऐसा क्यों? वो काम करते वक्त टाइम नहीं देखता, वो काम को लेकर पैशनेट है, पैसा उसकी लास्ट प्रायोरिटी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जिंदगी में सक्सेस का मंत्रा है अपनी कमाई से ज्यादा मेहनत करना, या डूइंग मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर। अगर आप अपनी कमाई या सैलरी या प्रॉफिट को पीछे करके परफॉर्मेंस को आगे करते हैं तो आपको ये एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला, सबसे पहले आपकी रेपुटेशन बन जाती है एक परफॉर्मर की, आपकी वर्क स्पेस में लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जानते हैं कि ये बंदा काम करने वाला है और कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता। दूसरा, आप हमेशा काम से आगे रहते हैं, कभी भी काम का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देते, ऐसे में आप स्ट्रेस, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर से बचते हैं। तीसरा, लोग आपसे रिलेशन या नेटवर्किंग मेंटेन करना चाहते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप 100% काम तो करेंगे ही लेकिन उसके अबव एंड बियॉन्ड भी जाएंगे। नंबर 4, अपने एक्स्ट्रा काम करने के एटीट्यूड से आप बहुत नई चीजें भी सीख लेते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके आप फाइनेंस भी सीख लेते हैं, प्रोडक्शन भी सीख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लेते हैं, इन शॉर्ट पूरी सप्लाई चेन के मास्टर बन जाते हैं। नंबर 5, एक्स्ट्रा काम करने के एटीट्यूड से आप नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राम बेल अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर डेफ यानी बहरे बच्चों को पढ़ाते थे, इस कोशिश में वो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने टेलीफोन ही इन्वेंट कर डाला। तो अगर आज आप अपनी इनकम से ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत से ज्यादा इनकम मिलेगी। बट आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी भला कहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन और एडविन बार्न्स का। थॉमस एडिसन 20th सेंचुरी के सबसे बड़े इन्वेंटर में से एक थे, उन्होंने लाइट बल्ब, ग्रामोफोन, मूवी कैमरा, इलेक्ट्रिक पेन जैसे बहुत से इन्वेंशन किए और वो अपने टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। दूसरी तरफ थे एडविन बार्न्स जो थॉमस एडिसन की ही कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ थे, जिनकी मेन जिम्मेदारी थी साफ सफाई करना।
लेकिन एडविन बार्न्स का सपना था कि वो थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करें। ये किसी को भी मजाक लग सकता है कि एक हाउसकीपिंग का स्टाफ इतने बड़े इन्वेंटर के साथ पार्टनर बनना चाहता है। लेकिन एक दिन वो दोनों फाइनली पार्टनर्स बने। बट ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि एडविन बार्न्स ने बहुत कम सैलरी में थॉमस एडिसन की कंपनी में अपनी जगह बना ली। वो एक्स्ट्रा टाइम में मार्केटिंग सीखते थे और मार्केटिंग टीम को सजेशंस भी देते थे। 2 साल तक उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन काम उन्होंने बहुत ज्यादा किया। इसी बीच थॉमस एडिसन ने एडिफोन नाम का एक डिवाइस बनाया, जिसको अपनी मार्केटिंग टीम को दिया एक मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने के लिए। उस मार्केटिंग टीम ने एडिफोन को एक फेलियर बता दिया और एडविन बार्न्स को यह बात पता चल गई। फिर क्या था, एडविन बार्न्स भागते भागते थॉमस एडिसन के पास पहुंचे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक मौका उनको मिलना चाहिए मार्केटिंग का। थॉमस एडिसन ने उनको वो मौका दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसा कैंपेन एडविन बार्न्स ने डिजाइन किया कि एडिफोन बिकेम अ वेरी बिग हिट। थॉमस एडिसन ने इस सक्सेस को देखते हुए एक नई कंपनी खोली और उसमें पार्टनर बनाया एडविन बार्न्स को। तो अपनी सैलरी या उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म करना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत से एडवांटेजेस देता है। नंबर 1, अपने करियर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स की भी हिम्मत बढ़ाइए। उनको हेल्प करिए कि वो अपने भी सपने, अपने भी गोल्स पूरे करें। गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल इन रिलेशनशिप्स ऑलवेज हेल्प्स। नंबर 2, आप अपने फ्रेंड्स और जान पहचान के लोगों को भी हेल्प ऑफर करें। ये मत सोचिए कि इससे मेरा क्या फायदा, उनकी उम्मीद से ज्यादा उनका साथ दिए। नंबर 3, आप अनजान लोगों की भी हेल्प करिए, चैरिटी करिए, गरीबों की भी हेल्प करिए। ये मत सोचिए कि इससे मेरा क्या फायदा। नंबर 4, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी टाइम दिए, उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़िए, उनके साथ वक्त बिताइए, वो तकलीफ में हो तो सिंपथी दिखाइए। तो ऐसी दुनिया में जहां मोस्टली लोग उम्मीद पर खरे ही नहीं उतरते हैं, आप उनकी उम्मीद से ज्यादा काम करिए। हाँ, मेहनत लगेगी, हाँ आपका टाइम भी लगेगा। जो आपका मजबूत कैरेक्टर निकल के आएगा, उसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। लोग मान लेंगे कि ये इंसान वो तो करता ही है जो इससे उम्मीद हो, लेकिन वो करता ही करता है जो इससे उम्मीद भी ना हो। अगर आज का हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।